एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारे सामने खड़ी है i20 2023 मॉडल, जो कि है ये स्पोर्ट्स वेरिएंट। तो इसका वॉकराउंड रिव्यू हम आपको देने वाले हैं। तो देख पा रहे होंगे फ्रंट से कुछ ऐसे लगती है हमारी i20, और आप उसको साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। तो साइड से ऐसा सा कुछ इसका व्यू आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट की। तो फ्रंट में आपको मिलते हैं हेडलाइट, आपको हेलोजन्स ऑफर किए गए हैं, प्रोजेक्टर्स नहीं है सिर्फ हेलोजन नॉर्मल, और आपको टर्न इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजन्स मिलते हैं। सब बात करते हैं इसके नीचे आते हैं तो फॉग लैम्प की बात करते हैं, जो कि आपको हेलोजन से प्रोजेक्टर में मिलते हैं, और ये रहे इसके ODRL। और बाकी नीचे आपको फ्रंट में आपको कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं। सब बात करते हैं इसके ग्रिल की। तो आपको ये पियानो फिनिश में आपको ग्रिल मिलती है, और ये रहा इसका हुंडई का लोगो। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। आप पीछे देख पा रहे होंगे ऊपर, वहाँ पर इसका शार्क एंटीना देखने को मिल पा रहा होगा आपको। अंदर जाने से पहले मैं आपको इसके टायर सेक्शन की बात करता हूँ। तो टायर सेक्शन आपको इसमें मिलते हैं 195/55R16। तो आपको 16 इंच के इसमें व्हील्स मिलते हैं, जो कि एलॉय नहीं है, ये आपको ड्रम व्हील मिलता है। इस पर आपको कवरिंग ऐसी मिली हुई है कि आपको ये लग रहा है एलॉय व्हील्स, तो ये लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। चलिए बंदर चलते हैं। इसके ORVM पे आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए बंदर चलते हैं। रिक्वेस्ट आपको नहीं मिलते हैं इस वेरियंट में। ऐसा सा कुछ इसका लुक है। चलिए बंदर चलते हैं। ये रहा इसका कुछ डैशबोर्ड का लुक। ये इसके स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें कोई भी रैप नहीं आता है। सब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो ये रहा इसका हॉर्न पैड। लेफ्ट में आपको इसके डिस्प्ले के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, कॉल उठाने के लिए, कट करने के लिए, मोड्स चेंज करने के लिए। और राइट साइड में आपको मिलते हैं क्रूज कंट्रोल के बटन। ये 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, 1, 2, 3, 4। और बाकी बहुत ही अच्छा लुक इसका लग रहा है, फ्लैट बॉटम नहीं आता है ये। गाइस, बात करते हैं अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो कि इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। तो बात करते हैं इसके राइट साइड पे। तो राइट साइड में आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, इसमें हेडलाइट आपको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ मिलता है। और बाकी लेफ्ट साइड में बात करते हैं तो इसके वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो जिसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही आता है। तो आप देख पा रहे होंगे टिल्ट ये है और टेलीस्कोपिक ये, तो ये देख पा रहे होंगे आप, टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों इसमें मिलता है आपको। सब बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की, तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही मिलता है। और बाकी इसके IRVM की बात करते हैं, तो इसमें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा आपको रात में भी। और बात करते हैं इसके AC की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक AC नहीं आता है, मैनुअली एडजस्टेबल AC आता है। ये इसके AC की कंट्रोल्स, ये इसके ब्लोअर फैन स्पीड एडजस्ट करने के लिए, और इसका नॉब एयर सर्कुलेशन आपको किधर चाहिए, और ये कूलिंग और हीटिंग के लिए। अब नीचे बात करते हैं, तो इसमें आपको USB पोर्ट मिलता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। और बाकी आपको ये वायरलेस चार्जर पैड नहीं मिलता है, ये आपको स्पेस रखने की जगह मिली हुई है। बाकी इसका क्लच ट्रैवल काफ़ी स्मूथ है, और बाकी इसके गियर नॉब की शिफ्ट तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो गियर शिफ्टिंग बहुत ही ईजिली हो पा रही है, बहुत अच्छा है ये। और यहाँ पे कुछ स्पेस दिया है आपको बॉटल होल्डर्स के लिए, तो इसमें दो बॉटल आराम से रख पाएंगे आप इसमें। और ये रहा इसका हैंड ब्रेक। आर्मरेस्ट भी मिलता है आपको इस वेरियंट में, तो आर्मरेस्ट कूल्ड नहीं है आई गेस, हाँ कूल्ड नहीं है। स्पेस आपको डिसेंट मिलता है, ठीक ठाक स्पेस है इसमें। बात करते हैं अब इसके लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में आपको ग्लव बॉक्स दिखता है, तो ग्लव बॉक्स कूल्ड आता है इस वेरियंट में। तो ग्लव बॉक्स का साइज भी ठीक ठाक है, डिसेंट है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। अगर सेगमेंट से कंपेयर करें अल्ट्रॉस से, तो फिर अल्ट्रॉस का बहुत ही बड़ा है। बाकी आपको ये सीटिंग कंफर्ट तो बहुत अच्छा है, देख पा रहे होंगे ये, तो अंडर थाई सपोर्ट इसका काफ़ी अच्छा है, और ग्रैब भी बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं। अगर हम अल्ट्रॉस से बात करें, तो अल्ट्रॉस का मुझे सीटिंग कंफर्ट ज़्यादा अच्छा लगा फ्रंट का, बाकी सीट्स के अच्छे कम्फर्ट क्वालिटी भी अच्छी है। तो चलिए पीछे चलते हैं, मैं आपको पीछे का लुक दिखाता हूँ इसका। चलिए पीछे चलते हैं। मैंने फ्रंट की सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, मेरी हाइट 5'9" है। गाइस, स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पेस है, और रिक्लाइन एंगल भी मैंने फ्रंट सीट का बहुत ही बढ़ा रखा है, तो स्पेस तो काफ़ी अच्छा है, और बैक सीट की कंफर्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो पीछे आप राइड्स, लॉन्ग राइड्स अच्छे से आराम से कर पाएंगे। और बात करते हैं इसके AC वेंट्स, आपको दो मिलते हैं यहाँ पे, और चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है यहाँ पे, और फ़ोन रखने की जगह यहाँ मिल पा रही है आपको, देख पा रहे होंगे। और इसमें आपको ये विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं यहाँ पे। और बात करते हैं इसके केबिन लैंप की, तो इसमें आपको दो मिलते हैं, फ्रंट में दो और यहाँ पे एक। तो इसमें LED ऑफ नहीं किया गया है, तो LED होता तो ज़्यादा अच्छा होता, देख पा रहे होंगे आप। अब बात करते हैं इसके सीट की, तो आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बाकी इसमें आपको कोई भी आर्मरेस्ट या फिर कप होल्डर्स जैसी चीज़ नहीं मिलती है, हाँ नहीं मिलती है। और रियर में आपको डिफॉगर मिल पा रहा होगा। तो चलिए अब चलिए मैं इसका बूट स्पेस आपको दिखाता हूँ।
सो गाइस चलिए इसका बूट स्पेस आपको दिखाता हूँ। सो बूट स्पेस तो काफ़ी अच्छा है, 311 लीटर की कैपेसिटी इसमें मिलती है आपको, और स्पेयर व्हील आपको मिलता है यहाँ पे। सो बात करते हैं इसके बैक की, तो इसमें आपको बैक पे कोई भी वाइपर्स नहीं ऑफर किए जा रहे हैं, और ये आपको एलईडी मिलते हैं टेल लैंप्स, और ये जो क्रोम के इंसर्ट्स आपको कनेक्टिविटी मिल रही है इससे लेफ्ट से लेकर राइट तक, राइट साइड तक बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बीच में आपको हुंडई का लोगो मिलता है, ये स्पोर्ट्स की बैजिंग यहाँ पे मिलती है, और वो i20 की बैजिंग यहाँ पे मिलती है, और बैक में आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, और बाकी पार्किंग सेंसर्स आपको दो मिल रहे हैं स्वेरेंट i20 में, सॉरी स्वेरेंट में नहीं, सारे में ही दो ही मिल रहे हैं। सो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ये लिड ऐसे पुश करने पे ही ओपन हो जाती है, वहाँ पे अब नॉब की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर्स है, इसलिए मैं आपको इंजन इसका दिखाता हूँ। अब इंजन ओपन करने के लिए लीवर यहाँ पे दिया हुआ है, सो गाइस ये रहा इसका 1.2 पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर के साथ जो कि आता है ये। सो देख पा रहे हैं आप इसका इंजन, और हुड इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, इंसुलेशन काफ़ी अच्छी है और कॉस्ट कटिंग भी कह सकते हैं तो, लेकिन अंदर का केबिन नॉइज़ बहुत ही कम है तो इंसुलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये रहा ऐसा कुछ इंजन वॉशर फ्लूड्स की जगह। तो गाइज ये रहा हमारा छोटा सा रिव्यू i20 के ऊपर, और बाकी इससे रिलेटेड डिटेल्स जो भी होगी वो मेंशन हम यहाँ पे कर देंगे, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। सो गाइज वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।